भाइयों नमस्कार, मैं अमर सिंह, कॉमर्शियल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन से प्रेसिडेंट। भाई लोगों, आज के हालात आप देख रहे हो, जैसा कि हमारे दिल्ली एनसीआर में चल रहा है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं और आज दोबारा एक बार आप सबके सामने फिर से बताना चाहूंगा। अभी पीछे जालंधर में एक प्रोग्राम देखा है मैंने, और जो एकता वहाँ देखी, उसको देखने के बाद हमारे दिल्ली एनसीआर में, चाहे वो ड्राइवर्स हों, चाहे वो उनके यूनियन के प्रेसिडेंट हों, चाहे वो संस्था वाले हों, इन सबको देख के अपने मन में एक घृणा सी आती है। भाई लोगों, आज तक, स्टार्टिंग से आज तक कंपनियां हमारी फ़ायदा उठा रही है, और उसका कारण एक ही है कि हम एक नहीं हो पा रहे। अभी 2 महीने पहले से तैयारी चल रही है 22 अक्टूबर की। 22 अक्टूबर ये दिल्ली की जो संस्थाएं हैं सारे एक साथ हो चुकी है, 7-8 संस्थाएं। एक दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसमें गंद खाना कर रखा है कि भाई लोगों, हमारा समर्थन नहीं है और ये और वो दुनिया भर की बातें। मुझे तो कभी कभी ऐसा डॉट फील होता है कि इन संस्थाओं को, इन यूनियनों को ऐसा तो नहीं है कि कहीं और से कुछ ऐसी बीच में मुहिम को ख़राब करने के लिए ऐसा कोई फ़ोन आ रहा है या कोई कॉल आ रहा है। मुझे तो ऐसा डॉट फील होता है। ड्राइवर भाइयों का डिमांड था कि तुम सारे संस्था वाले, सारी यूनियन एक साथ क्यों नहीं हो रहे हो। मैंने उनसे यही बात बोला कि संस्थाएं यहाँ 10 हैं, यूनियनें 10 हैं, उनमें से 8 जिधर हो जाएंगे उधर आप हो जाओगे ना। ड्राइवरों ने बोला हाँ जी, जिधर 8 यूनियनें एक साथ हो जाएगी उधर हमारा पूरा समर्थन है। आज के रेट में 8 यूनियनें एक साथ हो गई है, ड्राइवर भाई भी सारे एक साथ हैं, लेकिन चंद एक दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने गंद फैला रखा है। और मैं ड्राइवर भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा रिक्वेस्ट है भाइयों, अब भी समय है, अब भी आप देखो कि आपके फायदे के लिए कौन सा आदमी कार्य कर रहा है और कौन आपका नुकसान चाहता है। 2 महीने पहले से जो तैयारी चल रही है स्ट्राइक की, उसको बिगाड़ने के लिए 2 दिन पहले एक बंदा पोस्टर तैयार करता है और ग्रुपों में डाल देता है कि मेरी भी तैयारी 22 तारीख की है। भाई लोगों, आप लोग खुद समझदार हो। मैं कई बार कह चुका हूँ कि आज ये गवर्नमेंट हो या ये कंपनियाँ हो, ये सब ये सोच रही हैं कि आज भी ड्राइवर वैसे ही हैं जैसे आज से 50 साल 20 साल 30 साल पहले थे। आज ऐसा नहीं है, आज सारे एजुकेटेड पर्सन हैं, सारे पढ़े लिखे ड्राइवर हैं। और आप लोग पढ़े लिखे हो तो आप लोग खुद समझ सकते हो कि आप लोगों के साथ हो क्या रहा है। ये एक दो संस्था, एक दो यूनियन वाले ये कभी चाहते ही नहीं कि एक हो जाएं सारे, सारे ड्राइवर जहाँ एक हो गए, सारी संस्थाएं जहाँ एक तरफ से हो गई। मैं कह रहा हूँ भाई, अमर सिंह नाम है मेरा, मैं जीत दिला दूंगा। अभी 8 लोग हैं ना, 8 संस्थाएं एक साथ हुई है, 22 तारीख को हमारी जीत 101% होगी अगर उसमें ये एक दो जो गंद पाने वाले हैं ये साइड हो जाएं। और इनको साइड करने में आप सबका साथ चाहिए। आप सब खुद देखें कि ये लोग कैसा गंद फैला रहे हैं। एकदम से मोबाइल पे कोई पैसा खर्च होता नहीं, आप लोगों को पता है आजकल नेट फ्री है, और उसके वजह से ये क्या करते हैं कि एक बैनर बनाए मोबाइल पे, एक पोस्टर बनाए, अगले दिन बोले जी स्ट्राइक है, हमारी स्ट्राइक इधर है, हमारी इधर है। अरे भाइयों, स्ट्राइक के लिए महीने भर तैयारी करो, पोस्टरें लगवाओ, पंपलेटें लगवाओ। आज जो सारी संस्थाएं मिलके कर रही है 22 अक्टूबर को, मैंने देखा है, मैं जहाँ भी चौराहे पे, कहीं सीएनजी पंप पे कहीं रुकता हूँ, मैं बोलता हूँ भाइयों से कि अरे भाई स्ट्राइक का, बोला जी 22 तारीख को है, 22 तारीख को है। 80% ड्राइवर भाई दिल्ली एनसीआर में जान चुके हैं और ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है। फिर यार चंद दो लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप खेल रहे हैं कि नहीं जी 22 को हमारा समर्थन नहीं है। अरे भाइयों, अभी भी टाइम है आप लोगों के पास, आप लोग देखो इस चीज को, ऐसे गंदे लोगों से दूर रहो। ऐसे गंदे लोगों जहां मिले ना, इनको दूर भगाओ, इनको कि भाइयों बदबू आ रही है। मैं CDWA से प्रेसिडेंट, मैंने कोई ऐसी संस्था नहीं है जिनके सामने मैंने गिड़गड़ाया नहीं, हाथ नहीं जोड़ा कि भाई एक हो जाओ। और ये ऐसे टुच्चे लोग, इनके सामने भी मैंने हाथ जोड़े हैं। परसों भी मेरी एक दो से बात हुई है, हाँ जी हम आपके साथ हैं, हाँ जी हम आपके साथ हैं, आधे घंटे में इनके विचार बदल जाते हैं, आधे घंटे में इनके तेवर बदल जाते हैं। अरे भाइयों, नेता आपका वैसा होना चाहिए जो आपके बारे में सोचे, और कोई भी चीज़ सोचने से पहले 2-4-10 लोगों से डिस्कस करे। ऐसा नेता कभी नहीं चला सकता देश को या आपके समाज को कि जो रात में सपना देखे और सुबह हड़ताल बोल दे। भाई लोगों, ऐसे लोगों से आप लोग बचें।
मेरा तो यही ऊपर वाले से भी कामना है कि आप लोगों को लीड करे वो एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान हो, समझदार हो और सोच समझ के चले। धन्यवाद। मैं एक आम ड्राइवर हूँ, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि ये सारी संस्थाएं एक हों, एक होके काम करें, ये 22 तारीख की जो मुहिम है इसको सक्सेस करें, ना कि इसको बिगाड़ें। अगर बिगाड़ना ही है तो अपना कहीं और जाएं, यहाँ हमारे बीच में ना आए, ताकि हम अपना 22 तारीख को सक्सेस कर लें। मैं दिल्ली NCR टैक्सी ड्राइवर यूनियन से परमजीत सिंह बोल रहा हूँ। जो 22 तारीख का हमारी सब यूनियनों ने एकत्रित होकर ये फैसला लिया था कि ये 22 तारीख की मुहिम में हिस्सा लेंगे, सब यूनियनें हिस्सा ले रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे यूनियनें हैं जो जिनको पहले भी मैंने आगाह किया था जब जंतर मंतर पे जो ये कंपनी के खास पिट्ठू हैं उनको अभी भी हाथ जोड़ के मेहरबानी है। ये ना हो कि भाई साहब आपको हम जूतों का हार बनाने के लिए तैयार रहें, आप हमारी मुहिम मत खराब करो और ड्राइवरों की भलाई के बारे में सोचो, क्योंकि पहले भी इनकी हमने पोलें खोली हैं, ये यूनियन ओला उबर से मिली हुई हैं जो हमारी मुहिम खराब कर रही हैं। इनसे हाथ जोड़ के अभी भी निवेदन हम कर रहे हैं, अभी भी बात आ जाइए, नहीं तो ड्राइवर एकता ऐसी है कि तुम्हें छोड़ेगी नहीं, क्योंकि हर इस टाइम ड्राइवर के बच्चे भूखे मर रहे हैं, रोडों पे आ गए हैं, गहने गिरवी रख के उन्होंने गाड़ियाँ डाली हैं और उनका बहुत बुरा हाल चल रहा है। मैं अभी भी जो ये यूनियन ये कारस्तानी कर रही हैं हमारी मुहिम को ख़राब करने के लिए, उनको अभी भी आगाह कर रहा हूँ कि आपने ही हमारे को एकत्रित होने के लिए 22 तारीख को बुलाया था और आप ही पीछे हट रहे हो। और ख़ास तौर पे गिल साहब को भी मैं आगाह करना चाहता हूँ, गिल साहब ये अभी ये मुहिम हमारी मत खराब करें, नहीं तो ड्राइवर एकता ऐसी है तुम्हें घर तक घर का नहीं छोड़ेगी ना बाहर का छोड़ेगी। हाथ जोड़ के बेनती है कि आप सारे भाइयों का साथ दें और 22 तारीख की मुहिम में आने का कष्ट करें।